हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द 22nd एपिसोड ऑफ हैशटैग SEO। आई होप आपने अब तक के बताए सारे हाइड डीए डू फॉलो बैकलिंक्स क्रिएट कर लिए होंगे। आज के वीडियो में मैं आपसे गूगल ऑपरेटर्स और सर्च ट्रिक्स शेयर करूंगा और कुछ मैजिकल फार्मूलाज भी शेयर करूंगा। अगर आप हैशटैग SEO पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आप अपने वेबसाइट की क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट कर पाएंगे और अपने वेबसाइट की सर्च रैंकिंग इम्प्रूव कर पाएंगे। गूगल सर्च इंजन के रिजल्ट्स आपके काम को आसान करने के साथ साथ ऐसे बहुत से रिजल्ट्स देता है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। फिर चाहे वो आपके सर्च रिजल्ट्स को टिल्ट करना हो, बैरल रोल करना हो, फेस्टिवल पोल लगाना हो, नॉलेज कार्ड प्रोवाइड करना जैसे कैलकुलेटर में कैलकुलेशंस करना हो, ज्योमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करना हो, अर्थमेटिक क्वेश्चन सॉल्व करना हो, टाइमर सेट करना हो, 1998 का विंटेज गूगल देखना हो, क्वाइन फ्लिप करना हो, डाइस रोल करना हो, टिक टैक टो खेलना हो, या फिर सॉलिटेयर खेलना हो। गूगल आपको अमेज करने से पीछे नहीं रहता। आज के वीडियो में हम लोग गूगल के सर्च ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे जो SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे जब हम लोग कोई कीवर्ड गूगल में सर्च करते हैं तो गूगल वो कीवर्ड या फिर उस कीवर्ड का मीनिंग या फिर उससे रिलेटेड रिजल्ट्स शो करता है। लेकिन जब हम लोग उस कीवर्ड को कोटेशन मार्क्स के बीच में डालकर सर्च करते हैं तो गूगल अपने रिजल्ट्स में उस कीवर्ड का एग्जैक्ट मैच प्रोवाइड करता है। आप देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल के लिए वाना जॉइन मी का कीवर्ड लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेकंड रिजल्ट में वाना जॉइन मी के बाद नेक्स्ट वर्ड इनटू है। अगर हम लोगों को कोई स्पेसिफिक वर्ड या सेट ऑफ वर्ड्स एक्सक्लूड करना है तो हम लोग माइनस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। वो सारे वेब पेजेस जिसमें वो स्पेसिफिक वर्ड है वो सर्च रिजल्ट से एक्सक्लूड हो जाएंगे। एस्टरिस्क एक वाइल्ड कार्ड की तरह काम करता है। जब हम लोग एस्टरिस्क सर्च ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो वो एस्टरिस्क को किसी वर्ड से रिप्लेस करके सर्च रिजल्ट में शो करता है। स्क्रीन पर दिखाए हुए एग्जांपल से आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। साइट कोलोन फॉलोड बाय डोमेन नेम हमारे सर्च रिजल्ट को सिर्फ उसी वेबसाइट तक रिस्ट्रिक्ट करता है। दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट पॉपुलर सर्च ऑपरेटर अमंग SEOs। रिलेटेड फॉलोड बाय डोमेन नेम आपको सर्च रिजल्ट में वो वेबसाइट्स शो करेंगे जो गूगल को लगता है कि उस डोमेन से रिलेटेड है। कैचे फॉलोड बाय URL आपको सर्च रिजल्ट में उस URL का रीसेट कैश्ड वर्जन शो करेगा अगर वो URL गूगल में इंडेक्स हो चुका है तो। अगर आप PDF, Doc, PPT, etc. जैसे कोई पर्टिकुलर फाइल टाइप ढूंढना चाहते हैं तो फाइल टाइप सर्च ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। EXT फाइल टाइप का जुड़वां भाई है और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप फाइल टाइप की जगह EXT सर्च ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इनटाइटल सर्च ऑपरेटर अपने सर्च रिजल्ट्स में वो वेब पेजेस शो करता है जिसके टाइटल में वो स्पेसिफाइड वर्ड या सेट ऑफ वर्ड्स हो। ये एग्जैक्ट वर्ड मैच नहीं करता है और रेगुलर सर्च की तरह काम करता है, जहां सिनोनिम्स या रिलेटेड फ्रेज भी सर्च रिजल्ट्स में शो करते हैं। ऑल इनटाइटल सर्च ऑपरेटर इनटाइटल सर्च ऑपरेटर से ज़्यादा एक्यूरेट है।
ये सर्च रिजल्ट में वो वेब पेजेस शो करता है जिसके टाइटल में वो स्पेसिफाइड वर्ड या सेट ऑफ वर्ड्स एग्जैक्टली मैच करता हो। सिमिलर टू इन टाइटल, इन URL अपने सर्च रिजल्ट्स में वो वेब पेजेस शो करता है जिसके URL एड्रेस में वो स्पेसिफाइड वर्ड या उसके सिनोनिम या उससे रिलेटेड वर्ड्स हो। ये भी एग्जैक्ट वर्ड मैच नहीं कराता है और रेलिवेंट रिजल्ट्स देता है। और ऑल इन URL अपने सर्च रिजल्ट में वो वेब पेजेस शो करता है जिसके URL एड्रेस में वो स्पेसिफाइड वर्ड या सेट ऑफ वर्ड्स कंटेन करता हो। ये सर्च ऑपरेटर आपके स्पेसिफाइड वर्ड या सेट ऑफ वर्ड्स का एग्जैक्ट मैच कराता है। इन टेक्स्ट सर्च ऑपरेटर अपने सर्च रिजल्ट्स में वो वेब पेजेस शो करता है जिसके कंटेंट में वो स्पेसिफाइड वर्ड या सेट ऑफ वर्ड्स हो। इन टाइटल और इन URL की तरह ये भी एग्जैक्ट वर्ड मैच नहीं कराता है। ऑल इन टेक्स्ट सर्च ऑपरेटर अपने सर्च रिजल्ट्स में वो वेब पेजेस शो करता है जिसके कंटेंट में वो स्पेसिफाइड वर्ड या सेट ऑफ वर्ड्स हो। वो स्पेसिफाइड वर्ड्स एक साथ ना होकर अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर आप स्पेसिफाइड वर्ड्स को रिजल्ट्स में एक साथ देखना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल ऑपरेटर्स का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने ऑल इन टेक्स्ट के साथ कोटेशन मार्क्स का यूज़ करके अपने स्पेसिफाइड वर्ड्स को सर्च किया तो सर्च रिजल्ट में वो साथ दिखाई देने लगे। मल्टीपल ऑपरेटर्स का यूज़ करके आप खुद का मैजिकल फार्मूला भी बना सकते हैं जो आपको चौंकाने वाले रिजल्ट्स दे सकता है। अगर आप सही से गूगल का यूज़ करें तो आपको दूसरे किसी SEO टूल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आइए नज़र डालते हैं कुछ मैजिकल फार्मूला पे जिससे आपको और बेटर आइडिया मिलेगा। आप मल्टीपल ऑपरेटर्स का यूज़ करके किसी वेबसाइट के कंटेंट का प्लैगरिज्म भी चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने मॉस के ब्लॉग से एक सेंटेंस कॉपी करके उसको कोटेशन मार्क्स सर्च ऑपरेटर का यूज़ करके एग्जैक्ट मैच कराया और माइनस और साइट ऑपरेटर का यूज़ करके मॉस वेबसाइट के रिजल्ट को एक्सक्लूड कर दिया। आप मल्टीपल ऑपरेटर्स का यूज़ करके किसी भी वेबसाइट के इंडेक्स्ड फाइल्स का पता लगा सकते हैं। अगर आपने अपनी वेबसाइट HTTP से HTTPS में स्विच किया है तो आप चेक कर सकते हैं कि अभी भी कौन कौन से HTTP वेब पेजेस गूगल सर्च रिजल्ट्स में इंडेक्स हुए पड़े हैं। अगर आपके वेबसाइट का डिफ़ॉल्ट वर्जन www है तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके वेबसाइट का नॉन www वर्जन गूगल में इंडेक्स हुआ है या नहीं। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके ब्रांड का कोई कॉपी तो नहीं कर रहा तो आप मल्टीपल ऑपरेटर्स का यूज़ करके पता लगा सकते हैं। डिफरेंट TLD का यूज़ करके कितने लोग आपके ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं ये आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर आप दो नंबर के बीच डॉट डॉट का यूज़ करते हैं तो सर्च रिजल्ट्स दोनों नंबर और उसके बीच के नंबर्स का रिज़ल्ट शो करता है जिसका यूज़ करके आप बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स पता कर सकते हैं। आई होप आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप भी कोई मैजिकल फार्मूला जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ।